विधायक महोदय जी ने कुशाल लेक टू शाम सरोवर के इस विधि विधान से पूजा अर्चना करके उसका लोकार्पण किया। ये हमारे गंगापुर के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। श्याम बाबा के नारे चलते रहने चाहिए। बाबा श्याम की ऐसी कृपा है गंगापुर क्षेत्र अमन चैन भाईचारे की खुशहाली है कि बाबा श्याम की कृपा है। इसके बाद में जो श्याम सरोवर का गेट है उस गेट पर फीता काट कर श्याम सरोवर जो विधायक महोदय फीता काट कर लोकार्पण कर रहे हैं खुशहाल लेक को सुपुर्द करेंगे और उसका भी लोकार्पण है। खुशहाल लेक को श्याम सरोवर का फीता काट कर उसका जनता को सुपुर्द करेंगे। अरे कमिश्नर साहब आयुक साहब अरे आयुक साहब आयो आज आगे आगे आयुक साहब भी आगे धीरे धीरे हो माननीय विधायक महोदय आप देख रहे हैं लोकार्पण कर रहे हैं कुशाल लेक को। कुशाल लेक को लोकार्पण किया गया विधायक महोदय के द्वारा आप देख रहे हैं। खुशहाल लेक दर्शकों बनकर तैयार हो चुका है सेकेंड पेज का कार्य और विधायक महोदय ने फीता काट कर लोकार्पण किया है। ये हमारे प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट हो गया है और इसका जो भी कोई सार संभाल करनी है वो पूरी तरीके से आप लोगों को करनी है। विशेष ध्यान दें बिल्कुल श्याम बाबा का मंदिर भी बन गया और पूरा अपना ये परिसर है ये गंगापुर की जान हो हर आदमी का आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हो रोज 10-20-30 हजार आदमी रोज आ रहे हैं बड़ी बड़ी यात्राएं लेकर तो अपने यहाँ किसी को परेशानी भी नहीं हो सुविधाओं का भी ध्यान रखना है साफ सफाई का भी ध्यान रखना है और आज आपने ये लोकार्पण करा करके गंगापुर की जनता को ये जो ये संपत्ति समर्पित की है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप भाग्यशाली हो तो आपके हाथों से इसका हम प्यारे की देख रहे हैं दर्शकों खुशहाल लेक श्याम सरोवर बनकर तैयार हो गया है माननीय विधायक महोदय ने और श्याम बाबा का मंदिर भी बन के तैयार। और मेरी राय तो ये है ये बगल बगल में लगाओ पेड़ ये बीच मतलब बीच वाले पेड़ है ना इनके बजाय बगल बगल में पेड़ लगाओ क्योंकि यहाँ तो कभी कोई सभा हो गई जागरण हो तो मतलब ये पब्लिक के काम आने वाली जगह है ये तो हरे के सहारे लख दाता करो करो चलते हैं
देख रहे दर्शकों, माननीय विधायक महोदय ने लोकार्पण किया है प्रसाद लेकर, और शानदार कुशाल लेख बनकर तैयार हो गया सेकंड फेज का कार्य। ना ये तो बंद कर दिया, तो रास्ता किधर से आएगा? अब तो आप इधर से जाना पड़ेगा, वापस इधर से जाना पड़ेगा। इधर से रास्ता नहीं है क्या? ना वो बंद कर दिया, वो तो इमरजेंसी में खोला था। ठीक, विधायक मतलब क्या कहना चाहेंगे आज लोकार्पण किया तो चल लेकर? आज श्याम सरोवर का हमने जो है लोकार्पण किया है, और ये बरसों से जो नगर परिषद काम कर रही थी वो काम लगभग कंप्लीट हो गया है पूरा, और आज कमिश्नर साहब और सारे नगर परिषद के अधिकारियों के साथ आज हमने इसका लोकार्पण किया है। पूरी संपत्ति ये जो गंगापुर वासियों को आज उनके हाथों में सौंप दी है, अब नगर परिषद की जिम्मेदारी है इसको ठीक ढंग से मेंटेन करें और गंगापुर की जनता के ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आए, यही आपकी हमारी सबकी कामना है। और श्याम सरोवर भी भर जाएगा? साल लेक और श्याम सरोवर एक ही बात है, श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है, आम जन की आस्था का केंद्र बन चुका है, ये पूरे गंगापुर ही नहीं पूरा गंगापुर जिला उमड़ करके यहाँ पर आ रहा है, हर दिन यात्राएं आ रही है। आप सोच सकते हो कम से कम 20 से 30 हजार आदमियों का एवरेज है एवरेज, और 11 और ऐसे त्योहारों पे तो 1-1 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, तो ये हम समझ सकते हैं लोगों की भावना किस कदर अंदर तक जो है यहाँ से श्याम बाबा के से जुड़ी हुई है। तो पूरे गंगापुर वासियों को हम श्याम बाबा के मंदिर का इस परिसर का भी ध्यान रखना है, और आने वाले जो दर्शनार्थी है जो सेवक है उनका भी हम लोगों को विशेष ध्यान रख रहा है, उनको कोई यहाँ तकलीफ नहीं है। और अंडरपास का भी तोहफा आपने दिया? अंडरपास के लिए तो अभी चल ही रहे हैं अपन, अंडरपास का अभी उसका शिलान्यास करेंगे, वो तो अभी काम शुरू होने जा रहा है, ये काम पूरा हो गया है, नगर परिषद ने अच्छा काम किया है ये, और नगर परिषद के इंजीनियरों ने ढंग से काम करके और इसका आज लोकार्पण किया, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। देखें दर्शकों, माननीय विधायक महोदय ने लोकार्पण किया है श्याम सरोवर का। Thank you.